हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसमें हम नर्वस सिस्टम के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम हमारा एक कंट्रोल सेंटर होता है जो हमारे एक्शन, रिस्पॉन्स, थाट या फिर जो भी सेंसेस होते हैं उसे कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। तो नर्वस सिस्टम अ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पेशलाइज सेल, जिसमें क्या होता है, स्पेशलाइज सेल होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड रेगुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ बॉडी। बॉडी में जो भी एक्टिविटी होती है उसे रेगुलेट करने के लिए या फिर कोऑर्डिनेट करने के लिए ये जो सेल्स होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। नर्वस सिस्टम इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, अलाउिंग फॉर द वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन टू अकर फिशेंटली। यानी कि नर्वस सिस्टम कम्युनिकेशन करता है हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, चाहे वो हमारा हैंड हो, नेक हो, आई हो या फिर कोई भी पार्ट हो रहा है बॉडी का, उन सभी को क्या करता है, ये कम्युनिकेट करता है एक दूसरे से और उसके जो मूवमेंट होते हैं उसमें हेल्प करता है। चाहे वो मूवमेंट आपका वॉलेंट्री मूवमेंट हो रहा हो या तो आपका इनवॉलेंट्री हो रहा हो। देखिए वॉलेंट्री मूवमेंट क्या होता है, ऐसे मूवमेंट जो हमारा क्या हो रहा है, इच्छा के अकॉर्डिंग हो रहा है, यानी कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इनवॉलेंट्री मोमेंट ऐसे एक्शन होते हैं जो कि क्या होते हैं, जिस पे हमारा कोई भी कंट्रोल ना हो, वो हमारा इनवॉलेंट्री मोमेंट होता है, एक्शन होता है। तो बेसिकली अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन की। तो नर्वस सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन होता है मेनली उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और थर्ड जो है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये आपका कमांड सेंटर होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, कमांड सेंटर होता है। यहीं से सारी एक्टिविटी जो भी होती है वहाँ से क्या होती है, रिस्पॉन्स करती है और आगे ये जो मैसेज होता है या सिग्नल होता है आगे ट्रांसमिट होता है। तो इसमें मेनली दो पार्ट आते हैं, एक आपका आता है ब्रेन और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में भी क्या होते हैं, बहुत सारे पार्ट मिलकर बने होते हैं, मेनली जो इसमें तीन पार्ट मेजर होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। सेरिब्रम क्या होता है, सेरिब्रम हायर फंक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारे थॉट हो गया, मेमोरी हो गया या फिर जो वॉलेंट्री मोमेंट हो गए उनको कंट्रोल करने का काम करता है हमारा सेरिब्रम। और वहीं अगर हम बात करें सेरिबेलम की, तो सेरिबेलम हमारा बैलेंस और जो भी कोऑर्डिनेशन होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। और रही बात ब्रेन स्टेम की, तो ब्रेन स्टेम में तीन पार्ट आते हैं, इसमें मिड ब्रेन आता है, पॉन्स आते हैं और मेडुला ऑब्लॉन्गा आता है। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे रेस्पिरेशन हो गया या फिर हमारे हार्ट रेट हो गया, फिर हमारे स्लीपिंग पैटर्न होता है, उन सबको रेगुलेट करने का काम हमारा ब्रेन स्टेम के पार्ट करते हैं। फिर हम बात करते हैं इस स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड हमारा क्या होता है, जो भी सिग्नल या फिर रिस्पॉन्स होता है हमारे ब्रेन से क्या होता है, पार्ट को पहुंचाने के लिए हम किसके द्वारा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा जाता है। इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे इन सब के स्ट्रक्चर को। उसके बाद हम बात करते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की, तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम दो में डिवाइड होता है, एक आपका पेरीफेरल नर्व आता है, दूसरे आते हैं आपके गैंग्लियॉन्स। पेरिफेरल नर्व क्या होते हैं, ये भी मतलब कि जो भी सिग्नल होती है, यानी कि जो ब्रेन से हमारा क्या हुआ, जो भी रिस्पॉन्स आया या फिर जो भी मैसेज आया उसको टारगेट ऑर्गन तक या फिर पार्ट तक पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से होते जाते हैं। यानी कि जो भी एरिया होता है, यानी बॉडी का वो पार्ट जो कि मेन पार्ट, जैसे कि मेन पार्ट तो आपका कौन सा हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि जिसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है, लेकिन इसके अलावा जो पार्ट बच रहे हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, पेरिफेरल, यानी कि जो भी उसके अलावा पार्ट हो रहा है उस सिग्नल को पहुंचाने का काम कराता है ये पेरिफेरल, आगे उस पार्ट तक पहुंचाएगा। इसमें दो पार्ट आते हैं पेरिफेरल नर्व में, एक हमारा आता है क्रेनियल नर्व और दूसरे आते हैं हमारा स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व जो कि हमारे क्या ब्रेन में प्रेजेंट होता है और स्पाइनल नर्व जो होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं और आगे ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो आते हैं, एक तो आता है हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम और सेकेंड जो होता है हमारा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम।
पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम ऐसे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है जैसे कि हमारा रेस्ट हो गया, डाइजेशन हो गया, ठीक है। इसमें बॉडी क्या होती है, एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है। तो वो हमारा पैरासिंपेथेटिक कंसर्न करता है, और सिंपैथेटिक जो जिसने फाइट हो गया या फिर फ्लाइट जो रिस्पॉन्स होते हैं जिसमें हमारा एनर्जी क्या हो यूज होता है, तो वो हमारा कौन सा करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इन सभी को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, एक बेसिक इंट्रोडक्शन अभी चल रहा है इसका। बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स की। तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स को हम लोग फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है हमारे नर्वस सिस्टम का, उसे हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं। न्यूरॉन्स को हम लोग नर्व सेल्स के नाम से भी जानते हैं, कई जगह इसको आपको नर्व सेल्स भी देखने को मिल जाएगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी। बॉडी में जो भी ट्रांसमिशन हो रहा है इंफॉर्मेशन का, उसको ट्रांसमिट करने में ये हेल्प करता है। न्यूरॉन्स डज नॉट हैव ए सेंट्रोसोम्स। इसमें सेंट्रोसोम्स क्या होता है, अब्सेंट होता है, जिसके कारण से इट कैन नॉट अंडरगो डिवीजन, यानी कि ये डिवाइड नहीं होता। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स की। तो न्यूरॉन्स के बेसिकली तीन पार्ट होते हैं, और उसके बाद सब पार्ट भी होते हैं इसमें। तो इसमें तीन मेजर पार्ट कौन से होते हैं, पहला जो होता है आपका सेल बॉडी, जो कि क्या होता है, मेन सेंटर पार्ट होता है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये न्यूक्लियस ही जो हमारे होता है एंटायर न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने का काम करता है। सेल बॉडी जो कि ऑर्गेनाइज होता है और कीप करता है सेल फंक्शन को, यहीं से सारे सेल के फंक्शन क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है दूसरा, वो होता है हमारा डेंड्राइट्स, जो कि क्या करता है, रिसीव करता है सिग्नल फ्रॉम अदर सेल्स, यानी जहाँ चाहे वो टारगेट बॉडी हो या फिर दूसरा जो न्यूरॉन्स हो गया, उस न्यूरॉन को अगले न्यूरॉन से पास करने के लिए काम करता है, यानी कि सिग्नल को ये क्या करेगा, रिसीव करने का काम करता है, ठीक है, ये रिसीव करता है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड पार्ट जो होता है हमारा एक्सॉन होता है, जो कि ट्रांसफ़र करता है सिग्नल टू अदर सेल्स एंड ऑर्गन। जो भी सिग्नल रिस्पॉन्स जो होते हैं डेंड्राइट्स के द्वारा क्या होते हैं, सेल बॉडी में आते हैं, और सेल बॉडी में क्या होता है, वहाँ पर इंटरप्रिटेशन होता है उस मैसेज का, और फिर मैसेज क्या होता है, आगे फॉरवर्ड हो जाता है बाय द एक्सॉन के द्वारा। अब एग्जॉन में क्या होते हैं, सराउंडिंग एरिया होते हैं, मतलब कि कवरिंग होती है, ठीक है, जो कि किससे बना होता है, माइलिनियन सीथ से कवर रहता है, और ये माइलिनियन सीथ क्या करता है, जो भी स्पीड होती है उस सिग्नल को इंक्रीज कराने का काम करता है। अब उसके बाद जहाँ से ये एग्जॉन जो होता है जुड़ा रहता है, यानी ये कनेक्ट रहता है किससे, साइटोन से या फिर सेल बॉडी से, उसे हम लोग बोलते हैं एग्जॉन हैलॉग, जो कि जनरेट करता है इम्पल्स इन द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स में क्या होता है, इम्पल्स जनरेट करता है ताकि वो जो मैसेज हो वो आगे फर्दर ट्रांसफर हो। उसके बाद इसमें क्या होते हैं, बीच बीच में रोड ऑफ रिवर होता है, जो कि आयंस के डिफ्यूजन में हेल्प करता है। स्वान सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, माइलिनियन सीथ को फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं, और एग्जॉन टर्मिनल यानी कि ये जो लास्ट पार्ट होता है ये बनाता है जंक्शन बिटवीन द अदर सेल्स, यानी कि क्या होगा, जब दूसरा न्यूरॉन, मान लीजिए जैसे कि ये आपका न्यूरॉन्स है, ठीक है, ये आपकी डेंड्राइट सेल्स आ गई, यहाँ से एग्जॉन गया, और इसके बाद ये क्या हो गए, टर्मिनल नोड हो गए। अब ये टर्मिनल नोड्स क्या होंगे, दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होंगे, देखिए ये क्या, दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट हो रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, आगे फॉरवर्ड होंगे, तो यहीं पे बीच में क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, जो कि इस सिग्नल को क्या करते हैं, ट्रांसमिट कराने में हेल्प करते हैं। तो वो उस एरिया को जहाँ पर ये एंडिंग होता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्जोनल टर्मिनल, ठीक है, तो एक्जोनल टर्मिनल बोलते हैं इस एरिया को। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स को। तो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन बेसिकली दो क्लास में डिवाइड किया गया है, एक तो आपका स्ट्रक्चरल बेस पे और दूसरा आपका फंक्शनल बेस पे। स्ट्रक्चरल बेस पे इसको तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका एक यूनिपोलर आता है और एक बाइपोलर और एक मल्टीपोलर, ये तीन आते हैं। फंक्शनल में भी इसे तीन तरह से डिवाइड किया गया है, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की। तो यूनिपोलर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, एक सिंगल इलोंगेटेड प्रोसेस होता है विद द सेल बॉडी लोकेटेड ऑफ टू साइड, ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, इसमें सिंगल इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है, इसमें सिर्फ ही ये जो होती है सेल बॉडी होती है, ठीक है, और एक ही क्या होता है
सेल्स जो होते हैं यानी कि जो टर्मिनल होते हैं ब्रांचेस, वो इलांगेटेड प्रोसेस निकले होते हैं। और बाइपोलर की बात करें तो इसमें दो प्रोसेस सेपरेट होते हैं बाय द सेल बॉडी, यानी कि आपका ये सेल बॉडी हो गया, उससे एक इधर से निकला हुआ है, ये आपका डेंड्रोइट्स हो गिया और ये आपका क्या हो गया, एक्जॉन हो गया। इसमें क्या होते हैं, डेंड्रोइट्स अब्सेंट होते हैं यूनिपोलर वाले में, इसमें सिर्फ सिर्फ एक्जॉन होते हैं, ठीक है। अब वहीं बात करें मल्टीपोलर जो न्यूरॉन्स की होती है, उसमें क्या होते हैं, मोर देन टू प्रोसेस निकलती है और सिंगल एक्जॉन एंड मल्टीपल डेंड्रोइट्स इसमें आते हैं। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, एक्जॉन होता है और मल्टीपल्स क्या होते हैं, आपके डेंड्रोइट्स होते हैं, ठीक है, वो आपके मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन की, तो मेन तीन मेन टाइप्स के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स जो कि क्या करते हैं, सेंसरी यानी कि ऑफ सेंस, यानी जो भी रिस्पॉन्स होता है सेंड करते हैं, जैसे कि हमारा स्मेल हो गया, चाहे हमारा विजन हो गया, चाहे हमारा हियरिंग हो गया, तो ये क्या करते हैं, सेंड इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, यानी कि ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से जो भी रिस्पॉन्स होता है उस इम्पल्स को हम क्या करते हैं, सेंस ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है ये नर्व, ठीक है। तो फिर बात करते हैं इंटर न्यूरॉन्स जो कि क्या करते हैं, उनके बीच में होता है, जो कि रिले मैसेज की तरह काम करता है बिटवीन द सेल सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। थर्ड जो होता है हमारा मोटर न्यूरॉन्स, जो कि हमारा कॉजिंग करता है मोशन, यानी कि जो भी रिस्पॉन्स होता है चाहे वो कहाँ से, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से, वो इफेक्टर तक पहुँचाने का काम करता है, जैसे कि हमारा ग्लैंड मसल्स या फिर हमारा कोई भी टारगेट पार्ट, ठीक है, तो वहाँ पहुँचाने का काम करता है हमारा मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या कर रहा था, सिग्नल को पहुंचा रहा था किसके पास, ब्रेन के पास, और मोटर न्यूरॉन्स ब्रेन से जो भी रिस्पॉन्स हो रहा था उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से या फिर टारगेट पार्ट ऑफ बॉडी तक पहुंचाने का काम कर रहा था। तो अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम की, जो कि बेसिकली मोस्ट ऑफ एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाता है, न्यूरॉन्स के बारे में बताइए, और फिर उसके बाद आता है हमारा सेकेंड पोर्शन उसी में फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक होते हैं, न्यूरॉन्स का भी और नर्वस सिस्टम का भी। तो बेसिकली फंक्शन क्या होता है, तो सबसे पहला जो फंक्शन बात करते हैं हम, सेंसरी फंक्शन होता है जो कि डिटेक्ट करता है, ठीक है, चेंजेस और स्टिमुलाई इन एनवायरनमेंट थ्रू द सेंसरी रिसेप्टर ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जो भी क्या होता है सेंसेस डिटेक्ट होती है, जैसे कि मान लीजिए आप एक कोई चीज़ देखते हैं, ठीक है, मान लीजिए मैं एक फ्लावर देख रहा हूँ, तो इस फ्लावर का इमेज, ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, एक स्टिमुलाई है, इस स्टिमुलाई को हमारे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कहाँ जाएगा, ये हमारे जाएगा ब्रेन में, तो ब्रेन में इसकी इमेजेस बनी रहेगी और यही इमेज क्या होगा, इंटरप्रिटेट होके फिर हमें पता चलेगा कि ये कौन सा फ्लावर है। तो ये एक सेंसरी फंक्शन की तरह काम करता है। अब मान लीजिए सेंसरी फंक्शन हमारा स्मेल हो गया, चाहे चाहे हियरिंग हो गई, विजन हो गई, तो ये भी एक सेंसरी फंक्शन होता है हमारा। फिर उसके बाद बात करते हैं इंटरग्रेटिव फंक्शन होता है, जो कि प्रोसेसेस इंटरप्रिटेट करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी हम चीज़ देखते हैं या जो भी हमारे सेंसरी इन्फॉर्मेशन मिलता है उसको प्रेसिपिटेट करता है, यानी इंटरप्रिटेट करेगा, सॉरी इंटरप्रिटेट करेगा और क्या करेगा, डिसीजन बनाने में हेल्प करता है, इससे स्टोर मेमोरी होती है और क्रिएट रिस्पॉन्स होता है। उसके बाद मोटर फंक्शन होता है इसका, मोटर फंक्शन सेंड करता है सिग्नल फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स ग्लैंड एंड ट्रिगर करता है मूवमेंट एंड सिक्रेशन को। नेक्स्ट जो फंक्शन होता है होमियोस्टेसिस को मेंटेन करने का काम करते हैं, मेंटेन इंटरनल बैलेंस बाय द रेगुलेटिंग वाइटल फंक्शन सच एज बॉडी टेम्परेचर हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। तो ये करता है कॉग्निशन में हेल्प करता है एंड थॉट में, जो कि इनेबल करता है हमारे थिंकिंग रीजनिंग लर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग में, कोऑर्डिनेशन में हमारी हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में, इंश्योर डेट मसल्स ऑर्गन्स एंड सिस्टम वर्क टुगेदर फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स बॉडी फंक्शन। नेक्स्ट जो फंक्शन होता है इसका मेमोरी एंड लर्निंग में होता है, जो कि स्टोर करता है इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस टू द फैसिलिटेट लर्निंग एंड रिकॉल करने में हेल्प करता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज़ हम एक बार पढ़ते हैं फिर वो हमारे मेमोरी में शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए सेव हो जाती है, जैसे हम रिपीट करते हैं उसको, अगर हम रिपीट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाएगा, ठीक है, तो उसको रिकॉल करने के लिए हमें क्या होता है, ब्रेन जो होता है या नर्वस सिस्टम होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इमोशनल रिस्पॉन्स की, जो कि प्रोसेस होता है इमोशन एंड रेगुलेशन मूड एंड बिहेवियर रिस्पॉन्स के लिए,
उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन भी शो करते हैं, जैसे कंट्रोल क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू द सर्टन स्टिमुलाई फॉर द प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि विड्रॉवल फ्रॉम हीट। ऐसे ही हम क्या करते हैं, मोमबत्ती वगैरह अगर जल रही है वहाँ उसके कॉन्टेक्ट में जैसे हमारा हैंड आता है तो तुरंत हम क्या करते हैं उसको पीछे लेते हैं, तो यानी ये क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। उसके बाद जो इसका फंक्शन होता है, कॉन्शियसनेस एंड स्लीप रेगुलेशन, मेंटेन करता है स्टेटस ऑफ अलर्टनेस एंड द कंट्रोल स्लीप वेक साइकिल। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशन, प्लस हम लोगों ने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा, साथ में हम लोग नर्वस सिस्टम के फंक्शन के बारे में पढ़ा। तो इससे आपका ये क्वेश्चन बनता है कि जो मेजर क्वेश्चन बनते हैं नर्वस सिस्टम में यहीं से बनते हैं कि डिफाइन द न्यूरॉन्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, साथ में आपको एक अलग पोर्शन देगा जिसमें आपका नर्वस सिस्टम के फंक्शन को डिफाइन करना रहता है। तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है नर्वस सिस्टम के पोर्शन से। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे बनेगा, और अगर एक वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।